से काम करने को कहा है, आप ऐसी कह देती जिसमें बिना किसी गलती निकाले या नोटिफिकेशन के फॉलो करोगे, ये टीचर स्टैंडर्ड अप्रोच। ये सारी अप्रोच अपने अपने विशेषताएं लिए हुए हैं, कोई अपने आप में परफेक्ट नहीं है, ना मैं हम किसी की खामियां यहाँ पर देख रहे हैं, ना किसी की बातें देख रहे हैं, हम केवल ये देख रहे हैं कि हमारे लिए कौन सी अप्रोच फिजिकल डेली पहुंचा बच्चे। सबकी अपनी अपनी खासियत। टीचर सेंटर्ड अप्रोच की अगर बात करें तो मुख्य रूप से टीचर के लिए विकल्प है, बच्चों की लर्निंग का स्कोप इसमें मतलब स्कोप तो है, लर्निंग तो हो जाएगी, लेकिन टीचर कैसे उसको आपके इसका स्कोप है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच वहां पर कारगर साबित होती है जब आपके पास विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा हो और आपको बहुत सारा मेटेरियल एक साथ ट्रांजेक्ट करना हो कम समय में, तब टीचर सेंटर्ड अप्रोच कामयाब होती है। और जनरली हम सब लोग इसी अप्रोच से ट्रेन किए हुए या आज भी इसको अपनाते हैं। पड़ती सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच की अगर बात करें तो इसके नाम से ही आए, ये हम अपनाते हैं जब हमारे विद्यार्थी बोर्ड क्लासेस बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों के पास बहुत सारे टेक्स्ट बुक आ जाती है और ये इंदिरा और एनबीडी और तरह तरह के शॉर्ट शॉर्ट जो गैस पेपर्स होते हैं वो बच्चे खरीद लेते हैं या कई साथी रिकमेंड कर देते हैं, हालांकि वो नहीं करना चाहिए। तो जब केवल टेक्स्ट बुक को आधार मानकर हम टीचिंग अधिगम कराते हैं उस समय जो अप्रोच अपनाई जाती है उसको सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं। टेक्स्ट बुक्स के अलावा टीचर्स के पास ना तो इतना समय है ना विद्यार्थियों के पास इतना समय है कि वो दूसरे टेक्स्ट बुक के इतर जो विषय हैं जो उप विषय हैं उनको उसमें शामिल कर लें क्योंकि समय कम। ये सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच की विशेषता, मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा उससे आपको क्लियर हो जाए। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, इसका बहुत बवाल मचा हुआ है दिल्ली में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी चाहे एनसीएफ 2005 की बात कर लो, वो भी ये कहता था कि बच्चों को आधार मानकर सिखाया जाए, उसकी जो सीखने की जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखकर टीचिंग लर्निंग कराई जाए, रटन प्रणाली से मुक्ति मिले और बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करे, इतना उसको सक्षम बना। तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में बच्चे को आधार मानकर बच्चे से ही सारी गतिविधियां कराकर टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, एक मॉडरेटर का काम करेगा, गतिविधियां सारी बच्चे डिजाइन भी करेंगे और उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, कॉम्पिटेंसी क्या होती है मान लेंगे, वर्ड बहुत प्रचलन में आ रहा है, एबिलिटी, दक्षता जिसे हिंदी में कैसे है, दक्षता कैसे बनती है, पढ़ना लिखना कैसे मानेंगे कि कौन बच्चा दक्ष हो, पढ़ना लिखना और समझना